रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। बड़ी खबर, आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ, जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। समिति प्रबंधक व अधिकारियों की साठगांठ से हो रही राशन की कालाबाजारी। सेल्समैनों की दबंगई के चलते ग्रामीणों में भय। कई महीनों से नहीं बटा गया केरोसिन व फ्री राशन। छतरपुर जनपद अंतर्गत सेवा सहकारी समिति गहरवार के हथनाई गांव का मामला। ईशानगर, लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब और मजलूम लोगों को किसी भी तरह से राशन व खाद्यान्न की परेशानी न हो, इसके लिए शासन द्वारा कई महीनों का खाद्यान्न पहले ही भेजा जा चुका है। इसके बावजूद खाद्यान्न माफियाओं द्वारा मानवीय संवेदनाओं को मारकर खाद्यान्न की कालाबाजारी जोरों पर की जा रही है। ताज़ा मामला छतरपुर जनपद अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति गहरवार से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत गहरवार हथनाई निबरिया के ग्रामीणों ने राशन वितरण दुकानदार व समिति प्रबंधक राजेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हितग्राहियों को पात्रता पर्ची में जितना राशन लिखा गया उतना दिया नहीं जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन भी नहीं दिया जा रहा, साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों से राशन के बदले पैसा लिया जा रहा है। साथ ही कई महीनों से केरोसिन भी नहीं मिलने की बात कही। वहीं राशन वितरण करने का ना तो कोई समय निर्धारित और ना ही कोई दिन, लोगों को राशन के लिए दो दो महीनों तक इंतजाम करना पड़ता है। इतना ही नहीं, राशन वितरण से पहले ही ग्रामीणों के राशन कार्ड व स्टॉक पंजी में वितरण दर्ज कर खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। वही खबर प्रकाशित होते ही आनंद फानन में सुबह 7 बजे से ही राशन बांटने लगा शहर समिति प्रबंधक। विडंबना तो यह है कि मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी जिम्मेदार कार्यवाही करना तो दूर, मामले की जांच करने तक नहीं पहुंचे। बुंदेली न्यूज। अमक काना का की रहे वाले हतनाई के काना श्याम भाई का परेशानी जा रही है। हमें जब परेशानी है कि ना गल्ला टेम से मिला और ना राशन इधर बट रहा हुआ, हमें तो जब परेशानी है। क्या चाहती है आप? हम तो यही साधन चाहत के होगी, हमें तो गल्ला बटने चाहिए जी। अभी जो फ्री राशन मिला था 6 माह का, वो मिला आपको? नहीं। का नाम कहाँ के रहने वाले? हम हथनाई के रहने वाले हैं। का नाम? धनु का नाम है। वहाँ का परेशानी जा रही? जब परेशानी है साहब के, हमें गल्ला भी टाइम पे नहीं मिल रहा, जी 10-15 दिन होगा उठाने सानी लगा है, कोई गल्ला नहीं हमारा बट रहा। मतलब 18 तारीख जो चढ़ा गए थे आज दिनांक तक नहीं मिलो? नहीं मिलो नवम्बर माह को। तो और क्या समस्या जा रही? और जब समस्या जो फ्री में गल्ला बटो जो नहीं भी मिलो है, एक बेर चावल भर मिले हमें। कितने चावल मिले थे? हमें मिले 20 किलो चावल। अच्छा, और क्या समस्याएं जा रही? और जहाँ समस्या का साहब, हम तो गल्ला ये ही बटवा चाहते हैं अतनाई में, कि हमारा गल्ला यही बटने चाहिए। अभी कितने दूर से लेबे जाने आप? 4 किलोमीटर है। तो कैसे पता चला के राशन बटन लगो तुम्हारे? आना जाना लगो रहा था, सो जाने के देख के पता लगाए थे, नहीं तो हमें न्यूज नहीं आते थे। तो क्या गहरवार की जाने के लिए रास्ता है अपने के यहाँ से? रास्ता है, अबे बन गई रास्ता, पहले ना थी। हम हथनाई की रविवारी है। रती नाम का परेशानी जा रही? जब परेशानी है कि आदमी लवाले ऐसो गल्ला ओमठा था, सो ओमठा नहीं आने, सो खाने तो मैं गल्ला नहीं मिल ले या। का आदमी पाए दे से कर दिया, सो हम कहाँ से बने ले आज जी, मोड़ी मोड़े न पड़ाने हैं हमें। तो राशन नहीं देते क्या आप? राशन भगा दे हैं तुम्हारे हाथ नहीं आग, सो जाओ अपने घर नहीं है। अबे जो फ्री मिलो 6 महीना को जो मिलो, एक दफे मिलो। कहाँ मिलो? तो चावल में लेते हो, गल्ला भी दाओ तो। कितना दाओ तो? कापा तो के आ 20-25 किलो दाओ तो 20 किलो हो जाए। पढ़ी लिखी नहीं है क्या आप? हम नहीं है पढ़े लिखे, होते तो कहे हो से मजूरी का है। जो नवंबर माह का इस माह का मिला क्या आपको? अबे कहाँ मिलो, माह मिलो तो 2 महीना को अकेला से, वो भी पैसा को मिलो तो। अब जो चढ़ा आपको राशन कार्ड पे, जो कब मिले? अब कब मालूम कब मिले है, 10-10 दिन पहले चढ़ा दे, मिलत नहीं है? मिले नहीं है, अब कल की ये बतान के कल मिले। क्या चाहती हैं आप लोग? अब कल का चाहे जैसे गुमठा धाय वैसे मिले हमें गल्ला। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम ठाकुर दास है, हथनाई के रहने वाले हैं। क्या परेशानी जा रही? परेशानी जी है साहब के, जो 6 महीना को जो सरकार से यहाँ हुए वो एक भी बार नहीं मिला है, चावल भर मिला है एक भी। और ये राशन हर माह किस तारीख को मिलता है आपको? हर माह को कोई पता नहीं चलते, जो मिशन अगर बाजार जाते सो देख लेते हैं गल्ला कोटा खुलो, सो इसलिए हम पहुंच जाते हैं लेके। अभी जो इस माह का नवंबर का उनने चढ़ा दिया है 18 तारीख को, वो राशन मिला क्या? वो नहीं मिला है, 15 दिन हो गए चढ़ाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि साहब हमारा गल्ला जहीं बटे, और 4 किलोमीटर है यहाँ से गहरवार,
और वहाँ हमको लेने जाने पड़ते हुए सो इसी हम परेशान होते गल्ला ले आते में। रोड यहाँ बनानी है अभी। आपका समिति में किस पद पर हैं आप? नाम राजेश यादव, समिति प्रबंधक। ये हतनाई के लोगों के आरोप हैं कि उनको जो फ्री राशन है जो 6 महीने का वो नहीं मिला। नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे पास आए हो मिलाना हो। उनको सिर्फ 1 महीने में सिर्फ चावल फ्री दिए गए थे, जब से एक भी बार नहीं दिया। और अभी नवंबर को 18 तारीख को उनके राशन कार्ड में चढ़ गया, आज तक आज दिनांक तक उनको राशन नहीं मिला। रहा राशन तो प्रति दिन बढ़ता है, कभी 10 आदमी आते कभी 5 आदमी, कोरोना की वजह से बढ़ता है राशन, ऐसा कि ज्यादा किसी को खतरा ना हो इस वजह से। तो यहाँ तो राशन जैसे अभी राशन बढ़ रहा है, यहाँ तो कोई से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। जनता है तो उनसे कहते हैं कि लगाओ, नहीं मानते हैं, बोले अब तुम्हें कहे बोले कोरोना, बोले हमको कुछ नहीं होगा। कई लोगों के ये आरोप है कि जो उनकी पात्रता पर्ची में जो निर्धारित मात्रा है उससे उनको कम दिया जा रहा है। कई लोग ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक महिला तो अभी ऐसा उनके आरोप हैं कि उनके पति खत्म, वो दादाजी खत्म हो गए हैं और पति उनके भाग गए हैं, बच्चे उनके पास, उनका राशन कार्ड में नाम भी है लेकिन उनको राशन नहीं दिया जा रहा कम। नहीं तो वो हमारे पास आएगी तो उसको हम देखेंगे क्या समस्या है, उसको और आगे अपन बात करेंगे। उसके ये भी आरोप है कि आपने उनको यहाँ से गाली गलौज करके भगा देते हैं, राशन फेंक देते हैं। कभी नहीं होता कि किसी को, क्यों भैया तुम लोग बताओ किसी को गाली दी? ये सब गलत है। किसी